हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जब मैं दर्शन वाला वीडियो डाल रहा था तो बौद्ध दर्शन वाले वीडियो में बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि बौद्ध संगीति के ऊपर जो है वीडियो हमको बना दो, क्योंकि अभी जो है यूपीएससी में भी बौद्ध संगीति से कुछ क्वेश्चन आया था। केवल हम क्या करते हैं कि हमको इतना पता रहता है कि बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म दो भाग में, महायान या हीनयान। इसके अलावा भी जो है बौद्ध संघ भी बटा था, बौद्ध संप्रदाय भी बटा, बाद में महायान हीनयान संप्रदाय भी आपस में जाकर और बटे। तो ये सब पार्ट जो है डिटेल में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे जो है आपके आने वाले व्यापम के एग्जाम, पीएससी के एग्जाम या आप जो भी एग्जाम दो उसमें क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं हम। देखिये, जब सर्वप्रथम जब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी उनका जब निधन हुआ, महापरिनिर्वाण, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उसके पश्चात जो है जो बौद्ध संघ था उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्योंकि क्या था, गौतम बुद्ध अपने जितने भी उपदेश देते थे वो केवल मौखिक रूप से दिया करते थे, कोई भी लिखित तो उनके उपदेश नहीं मिल रहे थे। तो क्या हुआ, जिसके कारण जो है हर व्यक्ति जो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो उनके उपदेशों को अलग अलग दृष्टिकोण से वहां बताया करते थे। यानी जैसे कि एक बात को दो तरीके से बताया जा सकता है या तीन तरीके, तो हर व्यक्ति क्या कर रहा था, बौद्ध भिक्षु जो गौतम बुद्ध के उपदेश है उनको अलग अलग तरीकों से बता रहे थे, जिससे उनके उपदेशों का अर्थ बहुत सारे निकल रहे थे, अलग अलग निकल सकते थे, जिसके कारण जो है उनके मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो वही विवाद को खत्म करने के लिए क्या किया गया, पहली बौद्ध संगति बुलाई गई। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति जो है वो 483 ईस्वी पूर्व 483 ईस्वी पूर्व बुलाई गई। यह जो जगह थी वो थी राजगृह जगह, जो कि बिहार में है। ठीक है, और ये कहां पे ये संगति हुई थी, ये हुई थी सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में, जो कि बिहार में है, सप्तपर्णी गुफा में ये जो संगति है बुलाई गई थी। ठीक है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे इस बौद्ध संगति के, उनका नाम है महाकश्यप, और जो यहाँ के शासक थे उस समय, जो शासक थे, राजा थे, वो थे अजातशत्रु, जो कि हरियक वंश से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, जो गौतम बुद्ध के उपदेश हैं उन्हीं को संकलित करने के लिए बौद्ध संगति बुलाई गई थी, क्योंकि उनके उपदेशों को अलग अलग बौद्ध भिक्षु अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए केवल उनके इस उपदेशों को संकलित करने के लिए ही जो है यहाँ पर बौद्ध संगति बुलाई गई थी, जिसके कारण यहाँ पर जो है दो पिटकों की रचना हुई, जो है एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक। यानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को या गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने के लिए ही पहली बौद्ध मीटिंग बुलाई गई थी। ठीक है, तो सुत्त पिटक में क्या किया गया, गौतम बुद्ध के उपदेश बताए गए हैं, जिसको कि उनके शिष्य आनंद के द्वारा संकलित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है सुत्त पिटक क्या है, गौतम बुद्ध के उपदेश, यानी जो भी वो उपदेश दिए उनको यहाँ पर संकलित कर दिया गया, एक बुक के फॉर्म में संकलित किया गया, जिसको कि उनके गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने संकलित किया था। इसी के पश्चात सेकंड जो है विनय पिटक की भी यहाँ पर रचना की गई। विनय पिटक क्या है, उसमें जो है बौद्ध संघ के नियम बताए गए, यानी जो बौद्ध संघ में रहेंगे बौद्ध भिक्षु वो कौन से नियमों को पालन करेंगे, कैसे कैसे नियम होंगे, यही बताया गया विनय पिटक में। ठीक है, जिनकी रचना की थी गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे जिनका नाम था उपाली। ठीक है, तो बौद्ध संगति जो पहली हुई थी वो मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने के लिए की गई थी। देखिये, पेपर में आजकल पेपर के स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत जगह मिल गया होगा कि समय क्या है या उनके अध्यक्ष कौन थे या कौन से स्थान में हुआ था, लेकिन वो बौद्ध संगति क्यों हुई थी, अब आजकल ऐसे क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहली बौद्ध संगति मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने के लिए बुलाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पहली बौद्ध संगति पूरी तरीके से सफल रही और सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई, यानी गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित कर दिया गया। ठीक है, इसके पश्चात क्या हुआ, यहाँ पर जो है संघ के नियम जो कि विनय पिटक में लाए गए थे, लिखे गए थे, विनय पिटक को लेकर जो जितने भी बौद्ध भिक्षु हैं उसमें जो है एक प्रकार से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि पहली बौद्ध संगति और दूसरी बौद्ध संगति के बीच 100 साल का अंतर है। ठीक है, तो इन 100 सालों में क्या हुआ, जो बौद्ध भिक्षु हैं वो कहीं ना कहीं जो संघ के नियम थे उससे कई बौद्ध भिक्षु चाहते थे कि उन नियमों को फिर से, मतलब उसमें बदलाव लाया जाए, उनका एक बार फिर से नए नियम बनाया जाए।
ठीक है, क्योंकि जो 100 साल से नियम जा रहा है परिवर्तन तो उनमें होना चाहिए, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो जो है जो बौद्ध संघ है वो एक प्रकार से खत्म हो सकता है। इसलिए कई सारे जो बौद्ध भिक्षु थे वो ये चाहते थे कि जो विनय है, ठीक है, विनय के नियमों पर एक प्रकार से सुधार किया जाए। तो यहां पर जो है मुख्य रूप से बौद्ध संघ जो है दो भागों में बंटने की स्थिति में आ गया। एक उसमें बौद्ध भिक्षुओं का, जो बौद्ध भिक्षु थे उसमें से एक टोली ऐसी थी जो ये मानती थी कि वो एक प्रकार से रूढ़िवादी थी, वो ये बोलती थी कि जो बौद्ध संघ के नियम बनाए गए हम उसी को फॉलो करेंगे। और एक दूसरी वहां पर एक बौद्ध संघ का जो दूसरा भाग आया, जो एक नया भाग आया, वो ये बोलता था कि हम नियमों को बदलाव के साथ स्वीकार करेंगे। यानी यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे उनका जो संघ बना हुआ था वो दो भाग में बढ़ गया था। एक भाग था इस जो कि मुख्य रूप से जो विनय को यानी संघ के नियमों को पूरी तरीके से वैसे ही मानते थे जैसे 100 साल पहले था, उस समूह को कहा गया स्थविरवादी, या इसी को कहा गया थेरवादी संप्रदाय, ठीक है, या थेरवादी संघ, आप जो भी बोल ले। तो याद रखिएगा बौद्ध संघ का एक भाग कहलाया स्थविरवादी या थेरवादी, उन्हीं को बोला जाता है, और दूसरा कहलाया महासंघी। महासंघी कौन थे? जो इस संघ के नियमों को बदलाव के साथ स्वीकार करना चाहते थे, यानी नए नियम बना के उनको स्वीकार करना चाहते थे, वो बौद्ध संघ का एक जो भाग था वो कहलाया महासंघी, या इन्हीं को बोला जाता है सर्वास्तिवादी। ठीक है, पहले वाला थेरवादी, दूसरा वाला सर्वास्तिवादी या महासंघी। सर्वास्तिवादी जो बौद्ध संघ के नियमों को बदलाव के साथ स्वीकार किए, और थेरवादी जो बौद्ध संघ के नियमों को जैसा पहले था वैसे ही स्वीकार कर रहे थे। ठीक है, तो जो थेरवादी यहाँ पर संघ बना उसके जो प्रमुख थे, इनके मुखिया का नाम था महाकच्चापन। ये आपको याद रखना है, पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। जो थेरवादी संप्रदाय यहाँ पर बन रहा है, थेरवादी जो महासंघ है मुख्य रूप से उनको, थेरवादी संघ को जो मुखिया थे महाकच्चापन उनका नाम था, और जो सर्वास्तिवादी बने थे, सर्वास्तिवादी के जो प्रमुख थे उनका नाम था महाकश्यप। ये वाले महाकश्यप नहीं है, ये दूसरे महाकश्यप है यहाँ पर, तो याद रखिएगा जो सर्वास्तिवादी के प्रमुख कौन थे महाकश्यप, और थेरवादी के प्रमुख थे महाकच्चापन। ठीक है, तो दूसरी बौद्ध संगति देख लेते कहाँ हुई थी, 383 ईस्वी पूर्व, 383 ईस्वी पूर्व, स्थल था वैशाली जो कि बिहार में स्थित है, अध्यक्ष थे इसके साबा कामी, आपको याद रखना साबा कामी अध्यक्ष थे, शासक थे कालाशोक। ठीक है, तो याद रखे पहली बौद्ध संगति क्यों हुई थी, गौतम बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने के लिए, और द्वितीय बौद्ध संगति क्यों हुई थी, क्योंकि ये जो विनय पिटक है यानी जो संघ के नियम है उसमें बदलाव के साथ स्वीकार करने के लिए दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध संघ दो भागों में बट रहा था। तो याद रखिएगा बौद्ध संघ दो भाग में बटा था, यानी बौद्ध अभी पूरा बौद्ध संप्रदाय या बौद्ध धर्म बट नहीं रहा है यहाँ पर दो दो भाग में, बौद्ध संघ बट रहा है, यानी बौद्ध संघ जो कि गौतम बुद्ध को तो मान ही रहे हैं लेकिन यहाँ पर विचारधारा भी नहीं बदली, केवल नियम के लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसलिए बौद्ध संघ दो भाग में यहाँ पर बट रहा है। ठीक है, अगले देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति जो कि 250 ईस्वी पूर्व यानी 250 ईस्वी पूर्व हुई थी, स्थल है पाटलिपुत्र जो कि बिहार में स्थित है, अध्यक्ष थे इस तृतीय बौद्ध संगति के जिनका नाम है मोगली पुत्र तिस्स, और शासक थे अशोक। ठीक है, तो ये मोगली पुत्र तिस्स थे ये मुख्य रूप से बहुत बड़े एक दार्शनिक थे। ठीक है, ये जो थे एक दार्शनिक थे, या आप बोल सकते हैं गौतम बुद्ध के जो जितने भी दर्शन से संबंधित उनके उपदेश थे ये उन पर स्टडी कर रहे थे मोगली पुत्र तिस्स जो है। तो यहाँ पर तृतीय बौद्ध संगति का कार्यभार इनको इसलिए सौंपा गया था क्योंकि तृतीय बौद्ध संगति का लक्ष्य ही यही था कि जो गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचार थे उनको संकलित कर लिया जाए। ठीक है, यानी उनके जो दर्शन से संबंधित हम जो बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं पूरा जो बौद्ध दर्शन है वो अभिधम पिटक में ही बताया गया है। ठीक है, जो कि तृतीय बौद्ध संगति के समय संकलित किया गया था, और ये खुद मोगली पुत्र तिस्स जो है बहुत बड़े दार्शनिक थे उस समय के, और गौतम बुद्ध के बारे में उनके पास बहुत सारी जानकारी थी, इसी के लिए जो है इनके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्स को बनाया गया और यहाँ पर अभिधम पिटक की रचना की गई जिसमें गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचार को सम्मिलित किया गया। तो द्विपिटक तो पहले से था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और यहाँ पर एक और पिटक आ गया जिसका नाम था अभिधम पिटक, और इन्हीं को संकलित रूप से जो है त्रिपिटक कहा जाता है। कौन कौन है त्रिपिटक में? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो आपको याद रखना है सुत्त पिटक गौतम बुद्ध के उपदेश है, विनय पिटक संघ के नियम है, जबकि अभिधम पिटक गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचार है। ठीक है,
तो तृतीय बौद्ध संगति इसी के लिए थी, गौतम बुद्ध के जो दार्शनिक विचार है उनको संकलित करने के लिए। अगला देखते हैं चौथी बौद्ध संगति जो कि प्रथम शताब्दी में हुई थी, स्थल था कश्मीर कुंडलवन, अध्यक्ष थे इसके वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष और राजा थे कनिष्क। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्थल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राजा कौन कौन थे। ठीक है, यहां पर ये चौथी बौद्ध संगति इसलिए हुई थी क्योंकि बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध दर्शन जो था, जिनकी रचना यहां पर हो चुकी थी, तो यहां पर जो है बौद्ध जो संप्रदाय के लोग थे उनकी विचारधाराओं में परिवर्तन आने लगा। एक संप्रदाय, एक पक्ष जो था वो ये बोलने लगा कि गौतम बुद्ध जो है वो ईश्वर है, और दूसरा जो पक्ष था वो ये बोलता था कि गौतम बुद्ध एक महापुरुष है। ठीक है, तो यहां पर जो है गौतम बुद्ध को लेकर ही जो है बौद्ध संप्रदाय में आपस में बढ़ गए, जिसके कारण जो बौद्ध, यहां तो बौद्ध संघ बटा था, यानी वो नियम के लिए केवल विवाद की स्थिति थी, यहां पर तो पूरी विचारधारा में परिवर्तन आ गया कि वो अपने धर्म के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उन्हीं को लेकर उनके विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो यहां पर जो है बौद्ध संप्रदाय दो भाग में बढ़ गया, एक था हीनयान और एक था महायान। ठीक है, तो हीनयान ये मानते थे कि गौतम बुद्ध जो है वो एक महापुरुष है, जबकि बौद्ध संप्रदाय का दूसरा भाग जो था महायान वो ये मानता था कि गौतम बुद्ध जो है वो ईश्वर है और उनकी मूर्ति पूजा करने लग गए थे। ठीक है, तो यहां पर विचारधारा में परिवर्तन आया, इसलिए बौद्ध संप्रदाय दो भाग में बटा, हीनयान और महायान। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा है महापुरुष मानते थे, ये भगवान मानते थे। ठीक है, हीनयान शाखा का एक प्रमुख पक्ष ये मानता था कि अगर आपको मोक्ष को प्राप्त करना है तो उसके लिए प्रयास व्यक्ति को स्वयं करना होगा, यानी जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है वो गौतम बुद्ध के द्वारा बताए गए नियमों को फॉलो करे और अपना मोक्ष जो है जिस तरीके से उन्होंने बताया उस तरीके से प्राप्त करें। लेकिन महायान शाखा का ये मानना था कि गौतम बुद्ध, जैसे कि इन्होंने कहा भगवान है, तो इनका मानना था कि एक व्यक्ति होता है भगवान के स्वरूप जिसका नाम बोला उन्होंने बोधिसत्व। ठीक है, बोधिसत्व जो है वो व्यक्ति को मोक्ष दिलाएगा, यानी व्यक्ति को स्वयं अपने मोक्ष प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, एक देवता स्वरूप एक चीज होती है जिसको बोला जाता है बोधिसत्व। बोधिसत्व इन्हीं का दूसरा नाम है जो पेपर में अभी यूपीएससी में भी आया था। बोधिसत्व के जितने भी मैंने यहां पर लिखे ये नाम है, बोधिसत्व बोल दिए, अमिताभ बोल दे, पद्म पाणी बोल दे, मैत्रेय बोल दे या अवलोकितेश्वर बोल दे, फिर से मैं बोल रहा हूं, बोधिसत्व, अमिताभ, पद्म पाणी, मैत्रेय या अवलोकितेश्वर। ठीक है, अवलोकितेश्वर, ये पांच नाम जो भी बोल दे, ये पांचों नाम बोधिसत्व को ही बोला जाता है, यानी बोधिसत्व के ही ये अन्य नाम है या पर्यायवाची बोल लीजिए। ठीक है, तो बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुरुष को कहा गया जो अन्य व्यक्तियों को मोक्ष को प्राप्त करवाएगा, और जब सभी को मोक्ष मिल जाएगा तो अंत में ये जो है खुद भी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो बोधिसत्व इसमें जो द्वैता स्वरूप ये माना गया है, ठीक है, जो सबको मोक्ष दिलाने के लिए इस पृथ्वी पर आएगा, ठीक है, ऐसा माना गया है। तो जो हीनयान संप्रदाय था ये दो भाग में आगे चलकर दो भाग में और बढ़ गया, जिसका नाम था वैभाषिक और एक नाम था स्वतांत्रिक। ठीक है, तो हीनयान संप्रदाय के दो भाग और हुए आगे चलकर, एक था वैभाषिक और एक था स्वतांत्रिक। ठीक है, तो यही विचारधारा से इसमें भी आगे चलकर विचारधारा से इसमें भी विवाद की स्थिति कारण ये दो भाग में बटे थे, वैभाषिक स्वतांत्रिक, उतना आपको नहीं जाना है। जो महायान थे, महायान भी आगे चलकर दो संप्रदाय में बटे, जिसका नाम था योगाचार और शून्यवाद, इसको विज्ञान, योगाचार को विज्ञानवाद भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो महायान जो है दो भाग में बटे थे, योगाचार संप्रदाय और शून्यवाद। ठीक है, तो योगाचार के जो प्रमुख थे उनका नाम था मैत्रेयनाथ, और शून्यवाद के जो प्रमुख थे उनका नाम था नागार्जुन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, महायान के दो भाग योगाचार और शून्यवाद। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहां पर मैंने बताया आपको महायान किसके में क्या मानना है कि बोधिसत्व मोक्ष दिलाएगा, यानी कहीं ना कहीं यहां पर तंत्र मंत्र कर्म कांड यहां पर महायान शाखा के लोग विश्वास करने लगे। ठीक है, तो महायान शाखा में जब तंत्र मंत्र ये सब आने लगा तो महायान शाखा से ही के आगे चलकर एक और शाखा बनी जिसका नाम था वज्रयान। ठीक है, यानी जब ऐसे लोग जो महायान शाखा को तो मान रहे थे, साथ ही साथ तंत्र मंत्र ये सब में और अच्छे ज्यादा तरीके से मानने लगे, तो महायान शाखा के बाद एक और शाखा बौद्ध धर्म की बनी जिसको बोला गया महायान। ठीक है, वज्रयान, तो वज्रयान जो शाखा थी पूरे तरीके से तंत्र मंत्र से परिपूर्ण थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, हीनयान, महायान और वज्रयान। वज्रयान अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तंत्र मंत्र से संबंधित बौद्ध संप्रदाय कौन सी शाखा है,
तो वो वज्रयान है, ठीक है। तो आपको जितना भी चीजें मैंने बताया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर अभी तक आपको एक चीज और बता दूं, जो हीनयान शाखा थी, हीनयान शाखा के जितने भी हमको साहित्य मिले हैं वो मुख्य रूप से पाली भाषा में मिले हैं, ठीक है। और महायान शाखा के जितने भी मिले हैं वो है संस्कृत में, ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए जब अगर हम ये देखें कि बौद्ध धर्म जैन धर्म क्यों यहां पर अस्तित्व में आए थे, तो क्या हुआ था, जब वैदिक धर्म में कर्म कांड से परिपूर्ण था तो लोग उससे एक प्रकार से त्रस्त हो चुके थे उस कर्म कांड से, क्योंकि वैदिक काल में जितने भी ग्रंथ होते थे संस्कृत में होते थे, लोगों को समझ कम आता था, ठीक है। और कर्म कांडों के कारण जो है और उसमें वर्ण व्यवस्था में प्रॉब्लम के कारण ही जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय बहुत ज्यादा प्रगति की स्थिति में आए, ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार से कर्म कांड का विरोध भी करते थे और इनके जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में रहते थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जब बौद्ध धर्म में भी आपस में बंटवारा हुआ हीनयान महायान में, तो महायान शाखा में भी आगे चलकर संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे जाने लगे जो लोगों की समझ के बाहर होने लगे। फिर से पाली भाषा में अभी तक तो लोगों को समझ आते क्योंकि ये सरल स्थानीय भाषा थी, लेकिन संस्कृत भाषा आने के कारण जो है यहाँ पर लोग उसको समझने उसकी तरफ रुझान लोगों का फिर से कम होने लगा। यहाँ पर भी कर्मकांड वापिस आ गए, वज्रयान शाखा बनी, मंत्र वंत्र फिर आ गए, तो लोगों का ध्यान फिर जो है बौद्ध धर्म से निकलकर वापिस वैदिक धर्मों की ओर चलने लगा, क्योंकि शंकराचार्य आकर उस समय उन्होंने अपने दर्शन अद्वैतवाद की वहां पर प्रचार किया, जिसके कारण जो है बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म जितनी तेजी से उदित हुआ था उतनी ही तेजी से फिर गिरावट की ओर जाने लगा और लोग जो है पुनः वैदिक धर्म की ओर आकर्षित होने लगे, क्योंकि कर्म कांड तो यहां पर भी आ गया था और वहां पर भी आ गया था, तो फर्क जो था वो खत्म हो चुका था। और जैन धर्म भी अंत में जाकर वैसे ही जो है उनमें भ्रष्टाचार की स्थिति भी आ गई थी जैन धर्म में, जिसके कारण जो है लोगों का रुझान जो है फिर जैन दर्शन में भी वहां पे जाके कम होने लगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं जो भी चीज यहां पर मैंने समझाई वो आप लोगों को समझ आई होगी। पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आपके आने वाले पेपर में एक क्वेश्चन तो इससे बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।